हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर केके पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फास्फोरिकम के बारे में, जिसे फास्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फास्फोरिक एसिड फास्फोरस और ऑक्सीजन मिला करके तैयार होती है। 90 भाग डिस्टिल्ड वाटर में एक भाग शुद्ध एसिड मिला करके उसका 10 भाग 90 भाग अल्कोहल में मिलाने से 2x शक्ति तैयार होगी। यह साधारणतः मूत्र यंत्र, स्नायुमंडल और आंतों पर ही अधिक प्रभाव पहुंचाती है। धातु दौर्बल्यता और वीर्य क्षत जनित बीमारियां, बहुत अधिक इंद्रिय चालन जैसे हस्त मैथुन, स्वप्न दोष इत्यादि कारणों से बालकों को नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और वे धीरे धीरे इतने कमजोर हो पड़ते हैं कि बोलने में भी कलेजे में कमजोरी महसूस होती है। कितनों ही का यह कथन है कि ऐसे मौके पर यह मंत्र शक्ति की तरह काम करती है। स्टेनम नामक दवा में भी छाती में कमजोरी का लक्षण है, पर यदि यह शुक्र क्षय के कारण हो अथवा स्वप्न दोष के कारण या पेशाब पाखाना के समय जोर देने के कारण शुक्र यानी स्पर्म निकलने की वजह से ही हो, उसमें एसिड फॉस उपयोगी है। ऐसे मौके पर प्रायः ऐसा दिखाई देगा कि रोगी हर वक्त उदास रहता है, उसके सिर में चक्कर आता है, शरीर कांपता है, लिंग शिथिल हो जाता है, पुरुषत्व तो घट जाता है, लिंग में हो तो कड़ापन बिल्कुल ही नहीं आता। चाइना, यह भी कमजोरी की बहुत बढ़िया दवा होने पर भी यदि बहुत दिनों से शुक्रक्षय के कारण बीमारी हो तो एसिड फॉस 2x और 3x निम्न डाइल्यूशन या क्रम या एसिड फॉस डिल ही अधिक उपयोगी है। एसिड फॉस में पहले मानसिक दुर्बलता होती है, फिर उसका आक्रमण होता है। म्यूरियाटिक एसिड के विपरीत, म्यूरियाटिक एसिड में इसका विपरीत होता है, उसमें पहले शारीरिक दुर्बलता आती है फिर मानसिक दुर्बलता आती है। जो सब युवक जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, उनके लिए यह अधिक उपयोगी है। किसी नई बीमारी के कारण स्वास्थ्य भंग होने पर तथा बहुत दुख बहुत प्रेम प्राप्त न होने या शरीर के ओज वाले पदार्थों का क्षय हो जाने के कारण शरीर नष्ट हो जाने की संभावना हो तो इसे स्मरण करना चाहिए। चरित्रगत लक्षण, न्यूरास्थीनिया या स्नायु दुर्बलता और नर्वस डेबिलिटी यानी स्नायु दुर्बलता की बीमारी, निद्रित अवस्था में और पेशाब के समय या पाखाने में वेग देने के बाद अनजान में वीर्य निकल जाना, सेलिक्स नाइग्रा के समान है। अंडकोश का फूलना और दर्द होना, अतिरज यानी ज्यादा मेंसेस का होना, अधिक दिनों तक संतान को स्तन से दूध पिलाना, श्वेत प्रदर या लिकोरिया, प्रमेह स्राव इत्यादि कारणों की वजह से बहुत कमजोरी हो जाना, थोड़ी ही उम्र में केस पक जाना, बिना चीनी का बहुमूत्र। डॉक्टर कॉपर थैट का कहना है कि चीनी जाने वाले बहुमूत्र की भी यह अमोघ दवा है। पेशाब दूध की तरह दिखाई देना, उसके साथ एल्ब्यूमिन या अंडलाल जिसे कहते हैं जाना, बहुत जल्द सड़ने लगना, बिना दर्द का पुराना अतिसार, उससे कमजोरी न आना, यह इसका बड़ा खास सिम्टम है दोस्तों कि बिना दर्द दर्द न हो, काफ़ी पुराने समय से लूज मोशन हो रहा हो, उसके साथ कमजोरी ना आए, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है एसिड फास्फोरिकम। लैरिंजाइटिस, स्वर यंत्र का प्रदाह या सूजन, ट्रैकियाइटिस यानी ट्रैकिया में टेटुआ का प्रदाह या सूजन, ब्रोंकाइटिस वायुनली का प्रदाह इत्यादि बीमारियों में छाती के निचले भाग में सुरसरी होकर खांसी आना, खांसी संध्या में यानी शाम को और सोने के बाद बढ़ना, सवेरे बलगम निकलना जिसका स्वाद नमकीन होना, इस पे अच्छा काम करती है। फेफड़े की बीमारी में कलेजे के भीतर बहुत कमजोरी मालूम होना, लंबर वर्ट्रिबा का कैरीज यानी कट मेरुदंडी अस्थिक्षय रोग, कमर में अस्थिक्षय जब हो मेरुदंड में उसको बोलते हैं लंबर वर्ट्रिबा का कैरीज, हिप ज्वाइंट यानी कुल्हे की संधि के रोग, ग्रंथियों की
दर्द रहित सूजन और पैर का जख्म जो कि एटॉनिक होता है। दर्द रहित सूजन, ग्रंथियों में सूजन होती है लेकिन दर्द नहीं होता है। हस्त मैथुन जनित युवकों के व्रण या अल्सर जो कि रक्त स्फोटक होते हैं जिसमें से ब्लड आता है। अल्सर टीला की तरह कोमल प्रकृति होती है। टाइफॉइड, सानिपातिक ज्वर, टाइफस ज्वर जिसे मुंह ज्वर के नाम से भी कहते हैं, में बेसुध की तरह पड़ा रहना, पुकारने पर भी जवाब नहीं देना, पर जब जागता है तब अच्छी तरह ज्ञान रहता है। शरीर में चीटी रेंगने की तरह सुसरी मालूम होना, गठिया वात की तरह दर्द, सिर दर्द, माथे के ऊपरी भाग में दर्द दबाव मालूम होना, कान में भों भों का शब्द होना, नाक से रक्त स्राव होना, रक्त स्फोटक, बहुमूत्र और कैलोरिया चीनी के साथ यानी विथ सुगर एंड बिना चीनी का जिसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, दोनों ही तरह के बहुमूत्र में एसिड फॉस लाभदायक है। रोगी को रात में बहुत बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। रात ही को पेशाब ज्यादा होता है, तेज प्यास, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण और कमजोर हो पड़ता है। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है स्नायु दुर्बलता के कारण पैदा हुए मूत्र रोग बहुमूत्र रोग में ही यह अधिक लाभदायक है। दूध की तरह सफेद या खड़िया घुले पानी जैसा पेशाब आता हो तो उसमें भी यह लाभदायक है। आयोडम और कैल्केरिया कार में भी खड़िया घुले पानी जैसा पेशाब होने का लक्षण है, पर उनके धातुगत लक्षण रहने चाहिए। डॉक्टर जार का कहना है दूध की तरह सफेद पेशाब होने पर मैं एसिड फॉस के अलावा कार्बोवेज, डर का मरा और कभी कभी एसिड म्यूट का व्यवहार करता हूँ और उससे फायदा दिखाई देता है। गाढ़े दूध, मट्ठा या चाय की तरह हल्की लाली लिए पेशाब होने पर उसे कैलोरिया कहते हैं। उसमें पेशाब के साथ मिला हुआ रक्त और चर्बी निकलने के कारण पेशाब का रंग उक्त प्रकार का दिखाई देता है। मैंने एक बार कैलोरिया रोग एसिड फॉस 3x शक्ति नित्य 4 मात्रा सिर्फ 2-3 सप्ताह तक सेवन कराकर आरोग्य कर दिया था, जबकि एलोपैथों ने कहा था यह बीमारी आरोग्य नहीं हो सकती। एसिड फॉस में पेशाब को छोड़ने पर उसमें चाशनी या माड़ की तरह तली जमती है। जो हो, इस एसिड का व्यवहार करते समय रोगी के धातु दौर्बल्य पर सबसे पहले नजर रखनी चाहिए। खांसी, रोगी सर्दी बिल्कुल ही सहन नहीं करता, हवा लगते ही नई सर्दी हो जाती है। सवेरे शाम को और सोने के बाद खांसी बढ़ती है। सवेरे बलगम अधिक निकलता है, बलगम का स्वाद नमकीन और रंग पीला रहता है। फास्फोरिक एसिड की खांसी सरल होती है, ऐसा मालूम होता है मानो पाकस्थली से खांसी आ रही है। गले में सुरसरी होकर कभी कभी आक्षेपिक खांसी होती है। ब्रांको निमोनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम निकलता है। अतिसार, बार बार दस्त, दस्त परिमाण में अधिक, पखाने के साथ अजीर्ण पदार्थ, अनजान में दस्त, वायु निकलने के साथ अनजान में दस्त निकलना एलोज की तरह। इसमें पेट फूलता है, पेट बहुत गड़गड़ाता है, ढप ढप किया करता है, पेट में गड़गड़ आवाज़ होती है, पर दर्द जरा भी नहीं रहता है। पखाने का रंग प्रायः सफ़ेद या पानी की तरह पीला होता है। एसिड फॉस प्रयोग करने के समय सभी बीमारियों में कमजोरी का लक्षण रहना चाहिए, परंतु अतिसार में कमजोरी बिल्कुल नहीं दिखाई देती, ये सबसे खास लक्षण है। जिसे याद रखें, पाखाना है या पेशाब यह समझ में नहीं आना, मल का कोई रंग ही नहीं होना, मर्ग डल्सिस और एपिस में पाया जाता है। एसिड फॉस के साथ चाइना का बहुत ही निकट संबंध है, दोनों का ही नई और पुरानी बीमारियों में प्रयोग होता है। चाइना के मल का रंग पीला या सफ़ेद, मल पतला और लसदार होता है। रोगी जो खाता है वह पाखाने के साथ ज्यों का त्यों निकल जाता है। ओलियंडर में भी इसी तरह अजीर्ण खाद निकलने का लक्षण है, परंतु उसमें रोगी बहुत पहले जो कुछ खा चुका रहता है वह भी निकल जाता है। एसिड फॉस में पाखाने का रंग प्रायः सफ़ेद होता है। चाइना में कमजोरी बहुत अधिक रहती है और खाने पीने के बाद ही दस्त ज़्यादा आते हैं। रात में अतिसार का बढ़ जाना चाइना का एक और प्रधान लक्षण है। सिरदर्द, बहुत पढ़ने के कारण छात्रों के सिरदर्द और जिनकी आकृति असली उम्र से अधिक दिखाई देती है उनके लिए यह बहुत लाभदायक है। कैल्केरिया फॉस और नेटम्यूर भी इसकी दवा है।
स्नायु दौर्बल्य, सिर में दर्द, सिर में चक्कर, कलेजा धड़धड़ करना, इंद्रियों का अवश हो जाना, पेट फूलना, अजीर्ण, हाथ पैरों में झुंझुनी, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, किसी विषय को सोच न सकना, बात करने की इच्छा न होना, नींद न आना, भय, मानसिक सुस्ती इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। और एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइटिकम, एम्ब्राग्रेसिया, एसिड पिक्रिक, कालिब्रोम, जिंकम, फास्फोरस, एसिड फॉस, जेलसीमियम, मस्कस इत्यादि लक्षण के प्रभेद के अनुसार इसकी साधारण दवाएं हैं। फॉस्फोरिक एसिड में थोड़े परिश्रम से ही रोगी को कमजोरी मालूम होना, स्त्री संघ की इच्छा बहुत प्रबल रहना, बहुत देर तक लिंग में कड़ा रहना, जिससे हो तो रात भर जागते रहना पड़ता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा परिमाण में वृष्कलन होता है, सुस्त हो पड़ता है पेशेंट। एसिड पिक्रिक, डॉक्टर नैश का कहना है स्नायु दौर्बल्य की जितनी भी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, रोग का कारण अगर बहुत ज़्यादा इंद्रिय परिचालन हो तो पिक्रिक एसिड सबसे बढ़कर दवा है। इस एसिड का रोगी हमेशा मन मारे रहता है, केवल सोए ही रहने की इच्छा होती है, उदासीनता, आँखों के आधे अंधेरा दिखाई देता है, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं रहती, पैर हमेशा भारी मालूम होते हैं और कमर में दर्द, शरीर में जलन अनुभव होता है, किसी विषय में मन न लगा सकना, इन लक्षणों का स्पष्ट समावेश दिखाई देता है। क्रम 6 से लेकर के CM पोटेंसी तक यूज की जा सकती है। मसाने के प्रदाह में यानी ब्लैडर, जहाँ पेशाब में फास्फेट, इंडिकेन, यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिन और शुगर यानी चीनी रहती है और रोगी क्रमशः कमजोर होता जाता है, वहाँ भी पिक्रिक एसिड लाभ पहुँचाती है। एनाकार्डियम, शुक्र क्षय के कारण स्नायुक दौर्बल्यता और स्मरण शक्ति घट जाने पर यह लाभदायक है, इसका अध्याय देखें। अन्य दवाओं के लक्षण उनके अध्याय में मिलेंगे। स्त्री रोग, जो स्त्रियाँ बहुत कमजोर और रक्तहीन यानी एनेमिक हैं, जिन्हें हरित पांडु रोग रहता है जिसको क्लोरोटिक कहते हैं, तथा ऋतु के समय यकृत में दर्द होना, सभी कामों में से उदासीनता, जिनका गर्भाशय कमजोरी के कारण बाहर निकल पड़ता है जिसको प्रोलैप्सस ऑफ यूट्रस कहते हैं, ऋतु बहुत जल्दी जल्दी होती है और स्राव बहुत ज़्यादा होता है, पेशाब परिमाण में अधिक होता है जिससे कमजोरी आ जाती है, जरायु सूज उठता है जिससे ऐसा मालूम होता है कि गर्भाशय में हवा भर गई है, रोंगड़ी पुराना प्रदर रोग भोगा करती है, ऋतु स्राव का रंग काला होता है, ऐसी धातु वालियों के लिए एसिड फॉस अधिक उपयोगी है। टाइफाइड ज्वर, जिसको सान्निपातिक ज्वर या मोतीझरा भी कहते हैं, रोग की पहली अवस्था में एसिड फॉस उपयोगी है, इसके बाद जब रोग ज्वर विकार में परिणत होता है उस समय भी इसका प्रयोग होता है। विकार की अवस्था में रोगी चुपचाप मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, मानो तंद्रा से घिरा हुआ है, यदि कोई कुछ पूछता या पुकारता है तो उत्तर तो देता है किंतु क्षण भर के बाद इस तरह बेहोश सा हो जाता है मानो सो रहा है। नींद खुलने के बाद रोगी होश हवास वाला मालूम होता है और इसके साथ ही कभी कभी पतले दस्त, पेट फूलना इत्यादि इस प्रकार के लक्षणों में फास्फोरिक एसिड फायदा करती है। पर यदि कभी इन लक्षणों में फास्फोरिक एसिड से लाभ न हो तो उसमें स्प्रिट ऑफ नाइटर से बहुत फायदा होगा। मूल औषधि 4 से 5 बूंद की मात्रा में थोड़े पानी के साथ 2-2 घंटे के अंतर से कई मात्राएं फायदा न होने तक देनी चाहिए। उत्तर देता रोगी सो जाए तो बैप्टीशिया और आर्निका, पर बैप्टीशिया के मूल मलमूत्र में बहुत बदबू रहती है और आर्निका में एक तरह के दाने या इरप्शन निकलते हैं, शरीर में काली लकीर सा दाग पड़ जाता है। एसिड फॉस में यह सब कुछ नहीं रहता है। रस्टॉक्स में रोगी बहुत अधिक छटपटाया करता है, ऊपर कहे लक्षणों के साथ ही आच्छन्न भाव के साथ यदि पेट की गड़बड़ी रहे तो एसिड फॉस ही लाभदायक है। ओपियम के विकार में रोगी मोहाच्छन्न की भांति पड़ा रहता है, पुकारने पर भी उत्तर नहीं देता, आंखें शिवनेत्र की तरह कर पड़ा रहता है और जोर जोर से सांस छोड़ता है। नस मस्केटा में बेहोशी का भाव, अतिसार, पेट गड़गड़ाना, अत्यंत पेट फूलने का भय रहता है, पर रोगी में जरा भी प्यास नहीं रहती।
टाइफाइड ज्वर की पहली अवस्था में नाक से रक्त गिरने पर रोग में कोई फायदा न हो तो फास्फोरिक एसिड, और रोग घटने पर रस्टॉक्स लाभदायक है। ईयर्स पैचेज यानी आंतों की गांठों में अल्सर होना, में उत्तेजना के कारण रोगी इस तरह नाक खोटना जैसे कृमि रोग हो गया हो, और इसके साथ ही पेट फूलना, अतिसार, अनजान में दस्त, पीले या सादे रंग का पेशाब, पेशाब में एल्बुमिन जिसे अंडलाल भी कहते हैं और फास्फेट निकले तो एसिड फास फायदा करती है। ऐसे अवस्था में सीना से कोई लाभ नहीं होता। वृद्धि, इसकी तकलीफें मानसिक विकार, वीर्यनाश, बातचीत बहुत ज़्यादा, रति इत्यादि से बढ़ जाती हैं, और ह्रास यानी आराम मिलता है हिलने डुलने पर, कभी कभी दबाव से। संबंध, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वात श्लेष्मा के ज्वर में फास्फोरस पल्स एसिड पिक्रिक सैलिसिया एसिड म्यूर और मोह तथा प्रलाप में नाइट्रिक स्प्रिट डल्सिस के साथ तुलना करनी चाहिए। भोजन के बाद मूर्छा का भाव होने पर नक सोमिका दिया जाता है। इसके बाद की कौन सी दवाएं हैं? चाइना फेरममेट, सिलीनियम लाइको, नक्स सल्फर पल्स बेल, कैप्सिकम आर्सेनिक इसके बाद प्रयोग होने वाली दवाएं हैं। क्रियानाशक, इसकी क्रिया को कैम्फर, कॉफिया और स्टेफिसेक्रिया यूज करने पर इसकी क्रिया का नाश होता है। क्रिया का स्थिति काल 40 दिन होता है। क्रम 2x से लेकर के 200 पोटेंसी तक अच्छे से यूज की जा सकती है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी रही आज एसिड फास्फोरिकम के बारे में। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिए दोस्तों, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।